गुड मॉर्निंग, आई एम फाइन और एवरीवन कैसे हैं आप सब? यस, कैसे हैं आप सब? आई एम फाइन. आई एम फाइन बेटा, हाउ आर यू? फाइन मैम. ऑल आर ओके. चलिए फर्स्टली जॉइन योर हैंड्स एवरीवन. फाइन मैम. Good if you are fine. Chali. Now everyone join your hands, close your eyes and let's stay with me. Today we will say Gayatri Mantra. Om Bhurbhuvasvah Tat Sarvasurvarenayam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Now everyone open your eyes. ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट द टुडे सेशन. कल मैंने आप लोगों को फोर्थ एंड फिफ्थ का टेबल दिया था, रिमेम्बर और नॉट? यस एवरीवन, डू रिमेम्बर कि कल मैंने आपको फोर्थ और फिफ्थ का टेबल दिया था? आई गिव यू अ टेबल ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ. चलिए ओके, सो टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दैट होमवर्क. How many of you have done that homework? किस किस ने वो homework किया? Write in a chat box. Okay. Okay, चलिए. Wait with me. चलिए श्लोक. Yes, ma'am. We say the table of three. Sorry, four. We say the table of four. 4 4 4 4 2 4 8 4 4 32 4 9 4 9 36 4 10 40. मैम गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. ओके नेक्स्ट रूही. Five one's a 5 5 2's a 10 5 3's a 15 5 4's a 20 5 5's a 25 5 5 6's a 30 5 7's a 40 5 9's a 45 5 10's a 50. Very good, very good. चलिए तो आज रूही एंड श्लोक. श्लोक सेट फोर टेबल ऑफ फोर एंड रूही सेट फोर टेबल ऑफ फाइव. ठीक है, अब कल आप टेबल सिक्स और सेवन लर्न करेंगे. ओके एवरीवन, कल टेबल सिक्स और सेवन लर्न करेंगे. ठीक है, अब हम अगेन कोई भी और जो है दो स्टूडेंट से पूछ सकते हैं, है ना? ओके, किसको आता है सिक्स और सेवन का टेबल ऑलरेडी? राइट इन अ चैट बॉक्स. हु नोज द टेबल ऑफ सिक्स एंड सेवन ऑलरेडी? श्लोक, दक्ष, माधव, अरे सबको आता है, ऑलमोस्ट सबको आता है. वेरी गुड. चलिए आप एक काम करेंगे, लर्न करेंगे, क्योंकि सर जब आपको मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तब सर राइट करवाएंगे. ठीक है, आप केवल लर्न करेंगे सिक्स और सेवन का टेबल. कल मैं सिक्स और सेवन का टेबल किसी से भी पूछूंगी. ओके, चलिए नाउ मूव ऑन द टुडेज टॉपिक. एंड टुडेज टॉपिक इज, बिफोर आई स्टार्ट टुडेज टॉपिक, है ना, टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस. आप मुझे एक डिफरेंस बताइए. सी, आपको कैसे पता चलता है, हाउ कुड यू नो दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जिब्रा एंड टाइगर?
कैसे पता चलता है आपको ये जिब्रा है ये टाइगर है? राइट इन अ चेक बॉक्स. चलिए अच्छा नव्या वेट. यस नव्या. टाइगर और जिब्रा में दोनों में ब्लैक स्ट्रिप्स होती है, पर टाइगर में रेड रेड होता है और जिब्रा में व्हाइट होता है. ओके एक्सीलेंट एक्सीलेंट. चलिए ओके अच्छा सेकंड आप मुझे ये बताएंगे कि आप लोग सब रेस्टोरेंट जाते हैं राइट इन अ चेट बॉक्स एवरीवन. नव्या आप भी चेट बॉक्स में लिखेंगे. योर माइक इज ऑन डजंट मीन कि आप बोल सकेंगे बेटा. राइट इन अ चेट बॉक्स एवरीवन यू ऑल गो टू द रेस्टोरेंट. ठीक है सब रेस्टोरेंट में जाते हैं ना रेस्टोरेंट में. चलिए रेस्टोरेंट में आप जब जाते हैं ठीक है तो आप वहां पे देखते हैं वहां पे एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है ना. जैसे टेबल है टेबल के चारों ओर चेयर्स हैं, फिर नेक्स्ट टेबल होती है, फिर उसके टेबल के चारों ओर चेयर्स होती हैं. एक अरेंजमेंट होता है वहां पे होता है. इसके अलावा बर्थडे पार्टी कौन कौन सेलिब्रेट करता है? रेज योर हैंड. हू सेलिब्रेट बर्थडे पार्टी? एवरीवन है ना. हर कोई बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करता है. ठीक है तो बर्थडे पार्टीज में आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैलून लेके आते हैं है ना. अलग अलग बैलून लेके आते हैं आप. सब अलग अलग बैलून्स लेके आते हैं ना एक अलग अलग कलर के. तो आप सबकी ज्यादा से ज्यादा जो एक कोशिश रहती कुछ ऐसी नहीं रहती. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर मैं रेड और ब्लैक कलर के लेके आई हूँ है ना तो मैं क्या करूंगी या तो एक रेड वन ब्लैक वन रेड वन ब्लैक या फिर क्या करूंगी वन रेड टू ब्लैक वन रेड टू ब्लैक. इस तरह से हम कुछ अरेंज कर रहे हैं. डेकोरेशन में हम क्या डेकोरेशन में हम ये चीज नहीं देखते कि एक जैसा सीक्वेंस रहता है कि अगर हमने एक बार रेड और एक बार ब्लैक यूज किया है तो नेक्स्ट टाइम हम उसको ब्लैक के बाद ब्लैक यूज नहीं करते. हम लोग उसको अल्टरनेट यूज करते हैं. यस यस और नो? यस यस. अपार्ट फ्रॉम इट यू ऑल हैव अ पेंसिल है ना. सबके पास अभी पेंसिल होगी. देखिए सबके पास पेंसिल्स होंगी है कि नहीं है. सबके पास पेंसिल्स हैं कि आपके पेंसिल्स में ना एक पैटर्न है कि नहीं. आपकी जैसे मेरे पेन में देखिए एक पैटर्न है. सी मेरे पेन में पैटर्न क्या है? देखिए इन दिस पेन आई हैव अ पैटर्न. क्या पैटर्न है कि इसमें जो स्ट्रिप्स हैं वो केवल साइड्स में. ये देखिए ठीक है ना. ऐसे आपने देखा होगा नटराज की जो पेंसिल्स आती है उनमें कैसी स्ट्रिप होती है? ब्लैक रेड ब्लैक रेड है ना. सी ये नटराज की पेंसिल है ना. अब देखिए इसमें देखिए हमें कैसे पता चलता है ये नटराज की पेंसिल है क्योंकि नटराज की पेंसिल का एक अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है एक अपना पैटर्न है. वो पैटर्न क्या है? इसमें बहुत बहुत ही थिन जो है वो ब्लैक लाइंस हैं उसके बाद फिर ब्रॉड रेड लाइंस है फिर ब्लैक लाइंस है फिर ब्रॉड रेड लाइंस है ऐसा है ना. और नीचे एक ब्लैक कलर का अच्छा खासा एक पोर्शन कवर किया हुआ है. क्लियर और नॉट? ऐसे देखिए सबकी. यस ऑफ कोर्स. देखिए अब ये जो फ्लोक की जो पेंसिल है ये पर्पल कलर की है. देखिए इसमें डॉट्स हैं और ये डॉट्स भी ऐसा नहीं है डॉट्स देखिए फॉलो किए गए हैं तो एक पैटर्न फॉलो किया गया है ना. आपकी पेंसिल जो है इसमें एक पैटर्न है. अगर इसी कलर की पेंसिल दूसरी सेम ऐसी नहीं लेकिन अगर पर्पल कलर की डिफरेंट पैटर्न के साथ अगर पेंसिल रख दी जाए तो श्लोक कैन आइडेंटिफाई देयर ओन पेंसिल है ना. श्लोक आराम से अपनी पेंसिल जो है वो आइडेंटिफाई कर सकता है ना. क्यों? क्योंकि श्लोक को पता है कि मेरी पेंसिल्स का मेरी जो पेंसिल है उसका पैटर्न अलग है ना. एग्जाम्पल के लिए अगर मेरी पेंसिल्स आप सब लोगों के साथ अगर एक साथ जो है कंबाइंड कर दें है ना देन Someone asked me, please find out your pencil. Then it's very easy for me to find out that pencil because my pencil has special characteristics, है ना? Special pattern. क्योंकि मेरी पेंसिल का एक अलग से एक पैटर्न है. समझ आया? तो क्या आप बता सकते हैं हमारे चैप्टर का नाम क्या है? Tell me the name of the chapter of today's chapter. Yes, tell me the name of the today's chapter. Yes, now everyone knows the name of the today's chapter is Pattern. Chaliye. So tell me what is Pattern? Pattern hote kya hai? Write in a chat box. What
व्हाट इज बेटर? व्हाट इज पैटर्न? क्या होता है पैटर्न? राइट इन अ चैट बॉक्स. डिजाइन, देन व्हाट इज डिजाइन? चलिए माधव, व्हाट इज डिजाइन? डिजाइन क्या होता है? होता क्या है? रिपीटेड डिजाइन. एक्सीलेंट. एक्सीलेंट मनस्वी. मेकिंग पैटर्न विथ शेप. It's a type of pattern, Dhruva. It's a type of pattern. My question is that, what is pattern? Pattern hai kya? What is pattern? Kya hai pattern? Repetition of set. Repetition of set. Kaise? Samjhiye. See, you all have floor tiles on your house. Sabke house mein फ्लोर टाइल्स होंगी ना. यू ऑल हैव फ्लोर टाइल्स इन योर हाउस. सबके पास फ्लोर में टाइल्स होंगी. ठीक है. समटाइम्स एक ऐसा होता है कि हमारी जैसी टाइल्स भी दूसरे घरों में होती है. अक्सर फ्लैट्स में तो बहुत ज्यादा होता ही है ना. जब आप फ्लैट में रहते हैं तो अक्सर वहां तो बहुत ज्यादा होता है कि ऑल हाउसेज हैव सेम फ्लोर, सेम टाइल्स. सबकी एक टाइल्स होती है. ठीक है. बट आप देखना वहां पर क्या होता है, एक तरीका अलग अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, सी वी हैव टू टाइप्स ऑफ टाइल. हमारे पास ये टू टाइप्स की टाइल्स है. ओके. नाउ अब हमें इसे थ्री हाउसेस में अरेंज करना है. वी हैव टू अरेंज दीज टाइल्स इन द फ्लोर ऑफ थ्री हाउसेस. थ्री हाउसेज में हमें अरेंज करना है. एंड एवरी हाउसेज इज सेइंग कि वी शुड हैव अ डिफरेंट पैटर्न. है ना. वी हैव अ सेम सेम टाइल्स बट पैटर्न शुड बी डिफरेंट. तो सी फर्स्ट हाउसेज में हम क्या करेंगे, फर्स्ट हाउस में हम ये वाला पैटर्न देंगे. है ना. रिपीटेशन ऑफ सेट. Firstly, we will decide the set. See, this is the set. And when we repeat this set, then it will make pattern. Yani ki repetition of set. Kisi set ka repeat hona. Ye hamara set tha jo humne apna standard set liya. And when we repeat this set, then it will make pattern. Theek hai? Next, dekhiye mera set. Yani ki first house mein humne is tarah ki tiles lagai. See. Okay. Now talk about the second pattern. See again. Now we will repeat this set. Repetition of set. See, ये set है. टू एक जैसे, देन वन इज डिफरेंट. देन अगेन टू एक जैसे, वन इज डिफरेंट. है ना. नाउ टॉक अबाउट द थर्ड. टॉक अबाउट द थर्ड हाउस. अगेन रिपीटेशन ऑफ दिस सेट कॉल्ड पैटर्न. Repetition of this set called pattern and repetition of this set called pattern. Yani what is pattern? Repetition of a set. Hai na? Repetition of a set, not design. Agar aap design bolenge, then again what is the meaning of design? Design ka kya matlab hota hai? Hai na? The repetition of a set. Kisi bhi ek set ka repeat hona. Yes, it's a types of pattern beta. Ye jo aap bol rahe hain, ye bhi types mein, ye types mein study karenge. But first question is that, वॉट इज पैटर्न? पैटर्न होता क्या है? ये पैटर्न होता है, सी दो ही टाइल्स थी हमारे पास. वी हैव ओनली टू टाइल्स. है ना. बट वी कैन अरेंज दीज टू टाइल्स इन डिफरेंट मैनर. अभी देर आर
so many ways to arrange these styles, na? There is no page number at yet, Shraddha. I did not say to open any page number yet. Okay? So, repetition of set is called pattern. Okay? Now, talk about the types of pattern. अभी ये समझ में आया सबको, what is pattern? Yes, everyone. Yes, क्योंकि see, अगर आप design की बात कर रहे हैं ना, तो अगर मैं इसको randomly arrange कर देती हूँ, randomly का मतलब मान लीजिए कभी मैंने ऐसे दे दिया, ठीक है? कभी मैंने ऐसे दे दिया, see, then ऐसे, see, then it's not a pattern. See, one, एक zigzag, एक कह सकते हैं आप fill dials, एक empty, fill empty, empty fill fill. It's not a see, it's a design, but it's not a pattern, है ना? It's a design, but it's not a pattern. समझ आया आपको? अब यहाँ पे हम क्यों नहीं बोल सकते the set of design या repetition of design? Design is a different thing and pattern is a different thing. In pattern there should be a set. जबकि डिजाइन में जरूरी नहीं है. डिजाइन तो हम कुछ भी, आप लोग जो गर्ल्स हैं, सारी गर्ल्स जो है वो आई थिंक सब गर्ल्स जो है वो हाथों में मेहंदी लगाती होंगी, लगाती है ना सब मेहंदी? तो सी, अगर मैं मेहंदी को हाथ में लेके इस तरह से रब कर लूं, तो मैं बोलूँ ये मेरा डिजाइन है, तो क्या वो डिजाइन है? नहीं, वो डिजाइन नहीं. यस, मैं बोलूँ ये डिजाइन है, यस इट्स अ डिजाइन, पर क्या ये पैटर्न है? वो पैटर्न ही नहीं होगा. समझ आया द डिफरेंस बिटवीन डिजाइन एंड पैटर्न? Design, there is nothing necessary that in design pattern should be followed, है ना? But in pattern it's necessarily that it should follow the repetition of a set. Clear हुआ सभी को? Yes, write in a chat box everyone. समझ आया सभी को? What is the difference between pattern and design? Clear? चलिए. नित्या, we are just saying बेटा pattern क्या होता है? नित्या, we are just saying pattern क्या होता है? Pattern repetition of a set होता है. अभी set क्या होता है? Set क्या होता है? See, मैंने आपको बताया कि हमारे पास यहाँ पर दो tiles हैं, ठीक है? And we will have to arrange these tiles in three houses. हमें इन tiles को, श्रद्धा please type your doubt in chat box बेटा. We will have to arrange these tiles in three houses. No page number, nirmit, no page number. I did not say to open any page number. What is pattern? Repetition of a set. Jaise ye two tiles ka set tha humare paas, and we will have to arrange these set in different manner. Hai na? Alag alag houses mein hume in patterns ko alag alag tarike se arrange karna. है ना? समझ आया सभी को? यस, सो दैट आई कैन कंटिन्यू. यस एवरीवन, गिव मी अ रिप्लाई. एकदम कैसे सब शांत हो जाता है. यस, आप लोग रिप्लाई नहीं देते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेले ही पढ़ रही हूँ और अकेले ही समझा रही हूँ, है ना? यस, थैंक यू नित्या, ध्रुवा, जिज्ञासा. चलिए, नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ पैटर्न. टाइप्स ऑफ पैटर्न. हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ पैटर्न. ओके, यानी पैटर्न कितने तरीके होते हैं? तो देखिए, देयर आर फोर टाइप्स. फोर टाइप्स होते हैं पैटर्न के अंदर, ठीक है? फर्स्ट इज डिफरेंट शेप. ओके, सेकेंड इज डिफरेंट साइज.
ओके. थर्ड इज डिफरेंट शेप एंड साइज एंड द फोर्थ वन इज डिफरेंट कलर. Yes, different shape and different size. See, so firstly we will talk about different shapes. हम different shapes की बात करेंगे. See, different shape. In this we will use different type of shape. For example, मान लीजिए कि मेरा pattern है circle, set of pattern, circle, triangle and triangle. है ना? We will have these three shapes, you know, and we will have to make pattern by these three shapes. See, one by one हम consider करेंगे. Firstly हम consider करेंगे different shape, okay? Then we will consider different size. Then we will consider different shape and size. And after it, and finally we will consider different colors, okay? चलिए सबसे पहले हम करते हैं. Firstly, different shape. Shape. And as it's clear by itself, by their name, आप name से देख सकते हैं यहाँ पे shape different होंगे. अभी मैंने आपको बताया कि मान लीजिए मैं square, circle और ये लेते चलिए triangle, circle and square. And we will have to make the pattern. See how many patterns we can make. There are number of patterns. First triangle, then circle. First pattern is that. Okay? देखिए, in this one set is this. See, I am repeating this set. Okay, now. I am repeating this set now. Still there are number of patterns. बहुत सारे pattern हैं. Now इस अभी तो मैंने देखिए repeat नहीं किया है. अगर मैं circle circle, triangle triangle, square square, then again इसको repeat को number of patterns there are. मैं just आपको example बता रही हूँ कि ये देखिए three तरह के patterns हो सकते हैं. अभी आप इसमें और बहुत सारे कर सकते हैं. इसमें किसी को double repeat कर दिया, triple time repeat कर दिया. समझ आया? But The basic funda of that pattern is different shape. ये कैसा pattern है? Different shape का है. देखिए यहाँ पे shapes different है. Triangle, circle, square. Triangle, circle, square. समझ आया? Now different size. In different size, shape will remain same. डिफरेंट साइज में क्या होगा? शेप सेम ही रहेगी आपकी. अगर आप रेक्टेंगल ले रहे हैं तो रेक्टेंगल रहेगा, ट्राइंगल ले रहे हैं तो ट्राइंगल रहेगा, बट साइज विल वेरी. क्या वेरी करेगा इसमें? साइज वेरी करेगा. देखिए आई हैव दिस सेट, ओके, नाउ रिपीट दिस सेट. एक ये पैटर्न हो सकता है. This one also a pattern. It's a different size. Clear everyone? Write in a chat box. It's a pattern of different shape. It's a pattern of different size. देखिए यहाँ पे है दोनों triangle, but size is different. One is big triangle, second is a small triangle. Okay? See, pattern में ना बेटा pattern समझना इतना मुश्किल नहीं है, but जब यही pattern number के form में आता है ना तब मुश्किल हो. अभी आपको आगे आगे बताएंगे किस तरह से थोड़ा सा ये hard हो जाता है pattern. अभी कुछ नहीं है pattern में, अभी जो मैं आपको बता रही हूँ nothing big deal in that. Okay? Now different shape and size.
अभी क्या कर रहे हैं, साइज भी डिफरेंट और शेप भी डिफरेंट. सबसे पहले आप शेप डिफरेंट डिफरेंट कर देंगे. सी चलिए, पहले हमने शेप डिफरेंट कर दी, अभी साइज भी डिफरेंट कर दीजिए. ओके, देखिए साइज भी डिफरेंट हो गए. इसे हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे. ओके, डिफरेंट शेप डिफरेंट साइज. नाउ डिफरेंट कलर. अब कलर डिफरेंट हो जाएंगे. See, I can make this one pattern. This is a set of this pattern. Okay. Now, second is now it's a pattern of different color. अब देखिए अलग अलग color का pattern है. Yes, clear or not? पहले आप मुझे ये बताइए क्लियर और नॉट. यस क्लियर, वेरी गुड. ओके, ओके, नाउ टेल मी वेयर यू कैन सी द पैटर्न इन नेचर. नेचर में कहाँ दिखता है आपको पैटर्न? नेचर में आप मुझे डिफरेंट बताएंगे, डिफरेंस दोनों के बीच का. यस, वेयर यू कैन सी द पैटर्न इन नेचर. नेचर में कहाँ दिखता है आपको पैटर्न? राइट इन अ चैट बॉक्स. ट्री, ट्री में कैसा पैटर्न होता है देवेश? राइट इन अ चैट बॉक्स. विच टाइप ऑफ पैटर्न यू कैन सी इन ट्री? आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे बेटा थोड़ा सा, इन वॉटरमेलन कैसे आप पैटर्न बता रहे हैं? जस्ट एक्सप्लेन मी इन अ चैट बॉक्स ओनली. ट्री कौन? आई डिड नॉट गेट योर गेटिंग योर क्वेश्चन बेटा. लोग माउंटेन में आप किस तरह से डिफरेंस पैटर्न बता रहे हैं मुझे बताइए. यस, माउंटेन का एक पैटर्न होता है ना. सी, माउंटेन का एक पैटर्न इसी तरह से होता है. ये पैटर्न है, आपको तभी तो पता चलता है ये माउंटेन है ना. अगर सी एक पैटर्न माउंटेन का इस तरह से भी होता है, अगर आपको दूर से दिखाई दे तो इस तरह से भी होता है ना. ट्राइंगल, दक्ष लाइन, बिग ट्री, स्मॉल ट्री. सी बिग ट्री एंड स्मॉल ट्री, वॉटरमेलन, मस्कमेलन. यू आर नॉट गेटिंग माई क्वेश्चन एवरी वन. सी अगेन, लिसन टू मी. नो, लिसन टू मी, लिसन टू मी बेटा, लिसन टू मी. सी मनस्वी इज राइट. सी आई एम सेइंग इन नेचर ऑफ डिफरेंट कैसा पैटर्न कैसा दिखता है. मस्कमेलन और वॉटरमेलन है, ठीक है. यस, अच्छा हाँ, मस्कमेलन और वाटरमेलन में आप एक पैटर्न देखते हैं. देखा है ना आपने, वाटरमेलन में एक बार ग्रीन स्ट्रिप होती है, फिर लाइट ग्रीन होती है, फिर डार्क ग्रीन होती है, फिर लाइट ग्रीन होती है. ऑफ कोर्स, नाउ आई एम गेटिंग योर क्वेश्चन. यस, ठीक है ना, एक पैटर्न होता है. यस ऑफ कोर्स. इसके अलावा एक पैटर्न बिग ट्री एंड स्मॉल ट्री. सी बिग ट्री और स्मॉल ट्री ये पैटर्न होता नहीं है, ये हम बनाते हैं. जैसे आप जब गार्डन में जाते हैं, तो देखते हैं ना आप सब कि गार्डन में जब जाते हैं तो एक सीक्वेंस में वहां पे ट्री होते हैं. एक सीक्वेंस होती है ट्रीज की कि पहले या फिर आप खेतों में जाते हो, फार्म हाउस में. आप कभी गए हो तो आपने फार्म हाउस में देखा होगा. फार्म हाउस में आपने देखा है कि एक उसको क्यू बोलते हैं. जैसे अगर अभी कपास की, आई थिंक कॉटन की खेती हो रही है, तो आप देखिए वहां पे एक सीक्वेंस में है. वहां एक के बाद एक के बाद पहले एक क्यू है, उसके अंदर काफी सारे कपास के प्लांट हैं, फिर एक क्यू है, फिर उसके अंदर काफी सारे प्लांट हैं. रेनबो में एक सीक्वेंस है, फर्स्ट कलर देन सेकंड कलर, है ना. पहले वॉयलेट, फिर इंडिगो, देन ब्लू. यस, और कहाँ देखते हैं आप नेचर में? समोसे में कौन सा पैटर्न होता है बेटा? समोसे में हम उसमें आलू थोड़ी ना निर्मित अरेंज करके लगाते हैं.
हाँ वैसे कर सकते हैं, निर्मित समोसा फिर कचोरी फिर समोसा और फिर कचोरी, दैट इज अ पैटर्न। बट समोसा डोंट हैव एनी पैटर्न बेटा, समोसे में तो आप जैसे मर्जी उसके अंदर जो फीलिंग है वो करिए फिर उसके अंदर। हाँ माउंटेन में गया था, यस श्लोक आप माउंट आबू गए होंगे है ना, अर्थ नो अर्थ ध्रुवा भामुजा, अर्थ पैटर्न नहीं होता। आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर एक पैटर्न है, सबको पता है ना सोलर सिस्टम के अंदर एक पैटर्न है। आपने इस तरह से देखा है ना रिंग बनी रहती है, और रिंग में हमारे सारे जो है अर्थ मून सब एक उसमें रहते हैं, वहां एक पैटर्न देखते हैं आप लोग। यस ऑफकोर्स बैग में एक पैटर्न होता है, वेरी गुड। कलर बॉक्स में एक पैटर्न होता है, पहले एक ग्रीन कलर होता है आपको, जब आप कलर बॉक्स लेके आते हैं इट विल मे बी अ वैक्स कलर, पेंसिल कलर, क्रियॉन कलर्स और वाटर कलर है ना, तो उसमें एक पैटर्न होता है। यस ये हाँ ये हमारा हो चुका है, जेब्रा का और टाइगर का हो चुका है। यस ऑफ कोर्स स्क्वेरल जानते हैं आप लोग, गिलहरी आप लोग उसको शायद गिलहरी को आप लोग बोलते हैं इन योर लैंग्वेज गिलहरी इज, मुझे कोई बताएगा आप स्क्वेरल जो होती है गिलहरी यहाँ पे कुछ और बोलते हैं आई थिंक, राइट इन अ चैट बॉक्स। स्क्वेरल होती है ना गिलहरी, खिसकोली, यस खिसकोली, जो उस जो गिलहरी होती है खिसकोली होती है, देखिए उसमें एक आपने पैटर्न देखा है एक ब्लैक और फिर एक ब्राउन टाइप का होता है, ब्राउन और फिर थोड़ा ब्लैकिश फिर ब्राउन और फिर ब्लैकिश है ना। यस स्क्वेरल के अलावा जो खिसकोली होती है ऑफकोर्स है ना, चक्री आप लोग जो बर्ड होती है बर्ड में भी अलग अलग पैटर्न होते हैं, आपने पिकॉक में देखा है, पिकॉक में देखा है उसके पिकॉक के जो जब वो अपने विंग्स अच्छे से ओपन फुली ओपन कर लेती है तो पिकॉक में देखा है आपने बड़ा सुंदर पैटर्न होता है पिकॉक के अंदर। अगर आपको सबको पता हो एक ग्रीन कलर फिर उसमें एक ब्लू कलर का डॉट होता है, फिर एक ग्रीन कलर उसमें ब्लू कलर का डॉट होता है। यस यूनिफॉर्म, आपकी यूनिफॉर्म भी एक पैटर्न ही है कि ऊपर शर्ट सब एक जैसे पहन के आते हैं और नीचे की जो बॉटम वेयर होता है वो सबका एक जैसा होता है। यस इट्स ऑल्सो अ पैटर्न। सो अभी क्लियर हुआ आप सबको पैटर्न, यस और नो? इवन आप एप्पल देखेंगे एप्पल के अंदर बीज आपने देखा है किस तरह से एप्पल के अंदर सीड अरेंज रहते हैं, हैव यू सीन एप्पल के अंदर किस तरह से सीड अरेंज रहते हैं, और वो ही सीड कीवी के अंदर कैसे अरेंज रहते हैं। एप्पल के अंदर तो कैसे अरेंज रहते हैं, एप्पल के अंदर तो इस तरह से अरेंज रहते हैं, यहाँ पे होता है एक सीड और एक सीड यहाँ पर होता है ना, लेकिन कीवी में कैसा होता है, कीवी में वो सब तरफ होता है इस तरह से होता है। ठीक है तो अभी सबको समझ आया कि नेचर में हमें कहाँ कहाँ पैटर्न मिलता है। सनफ्लावर के अंदर आप देखिए सनफ्लावर की पेटल्स अलग तरह से होती हैं है ना, मैरीगोल्ड की पेटल अलग तरह से होती हैं। ठीक है यस ऑफकोर्स मैथ बुक भी आपकी एक पैटर्न ही है जिसमें अलग अलग टॉपिक्स हैं, पैटर्न नहीं है बेटा उसमें रिपीटेशन ऑफ सेट नहीं है। सी मैथ विथ बुक्स इज नॉट अ पैटर्न, उसमें रिपीटेशन ऑफ सेट नहीं है। यस आप ये कह सकते हैं कि अगर आप सब बच्चे अपनी अपनी बुक्स अरेंज करते हैं तो वो एक पैटर्न बनेगा क्योंकि एक जैसी बुक्स हैं आप लोगों की है ना। यस ऑरेंज में जो सीड्स होते हैं वो अलग तरह से होते हैं, तो समझ आया आप सभी को। चलिए तो आज सबसे पहली एक्टिविटी आप क्या करेंगे फटाफट सुन लीजिए, उसके बाद हम आगे लेक्चर ओवर कर रहे हैं। आज आप सब एक्टिविटी क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स आप अरेंज करेंगे, जैसे कोई कलर कोई साइज कुछ भी लेके आप एक पैटर्न फॉलो करेंगे और आपको ये बोलना है आई एम रिपीटिंग दिस सेट, कि मैं इस सेट को रिपीट कर रहा हूँ। जैसे कि अगर आपके पास अलग अलग शेप्स हैं आप बताएंगे दिस इज माई सेट एंड नाउ आई एम रिपीटिंग दिस सेट एंड इट विल मेक पैटर्न, या फिर आप वीडियो से कोई भी पैटर्न दिखा सकते हैं। समझ आया सभी को, यस और नो? देखते हैं कितने इनोवेटिव आइडियाज आपके पास हैं। मैम ऑन मैथ्स बुक देयर इज अ ट्रेन दैट इज रिपीटिंग, हाँ ट्रेन कहाँ है आपके मैथ्स बुक में ट्रेन, पहले तो मुझे ये बताइए। हाँ वो रिपीट, हाँ ऑफकोर्स उसमें एक ट्रेन है जो रिपीट हो रही है, हाउसेज भी हैं, हाउस में पैटर्न रिपीट हो रहा है एक्चुअली, आप हाउस में क्रियांश देखेंगे पैटर्न रिपीट हो रहा है। ठीक है तो आज हम केवल पैटर्न पढ़ेंगे, डिफरेंट शेप डिफरेंट साइज, डिफरेंट शेप एंड साइज एंड डिफरेंट कलर। ठीक है होमवर्क में आपको यही है कि आज आप इसको रिवाइज करेंगे। ओके एवरीवन, चलिए ओके
यस ऑफ कोर्स वी विल डिस्कस टुमारो ऑल्सो. ठीक है बेटा, हम इसको कल भी डिस्कस करेंगे. ओके नाउ एवरीवन इट्स टाइम टू से गुड बाय. आपकी अटेंडेंस हो जाएगी बेटा. ठीक है, ओके बाय एवरीवन.